Now in chapter 3, rock and mineral, we will learn about sedimentary rock. Now next is the sedimentary rock. अब sedimentary rock जो है बेटा कैसे बनती है? ये sedimentary rock क्या होता है? जो mountains या rocks होती हैं, तो जब भी उन areas में rain, water या river, इनके through क्या होता है? अगर wind चल रही है, अगर बारिश हो रही है, ठीक है ना? वाटर जो है ऊपर हिली एरिया से फ्लो करके आ रहा है रिवर्स में, तो उसमें क्या होता है कि जो माउंटेन्स के रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और टूट करके रिवर में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो लो एरियाज में आ जाते हैं, और लो एरियाज पे आके क्या होता है, नियर द साइड ऑफ रिवर बैंक्स वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होते जाते हैं एक के ऊपर एक, ऑन वन अनदर वो डिपॉजिट होते जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद में क्या होता है बेटा, कुछ टाइम बाद विद द मोर टेम्परेचर एंड प्रेशर वो डिपॉजिट होके एक हार्डन लेयर बना देते हैं, एक हार्ड सी लेयर बन जाती है। इस हार्ड लेयर जो होती है, ये जो दिस हार्ड लेयर ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज द सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक इसके अलावा जो है बोन्स एंड शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स, इनके थ्रू भी बनती है। जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, उनकी शेल्स होती है या उनकी बोन्स होती है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी शेल्स और बोन्स क्या होती है, वो भी एक जगह रिवर बैंक पे आके या फिर अंडर द सी गेट डिपॉजिट, वो डिपॉजिट होके जाती है वन ऑन अनदर, और बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर वो डिपॉजिट होकर के क्या हो जाती है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक ही बनाती है। इट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कई टाइप्स की होती है, अब हम उनके बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ द रॉक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन रॉक, लाइमस्टोन रॉक्स, कॉन्ग्लोमरेट रॉक, शेल रॉक, जिप्सम रॉक। Now, first rock is the sandstone rock. This is a soft stone and it is formed by the sand particles that get cemented together. ये जो rock है वो soft होती है, क्योंकि जो sand particles होते हैं वो एक से जब इकट्ठे होकर cemented हो जाते हैं तो ये बनाते हैं sandstone rock. ये basically yellow, brown, red और pink color में मिलती है। जो रेड फोर्ट है दिल्ली में बेटा, वो भी रेड सैंडस्टोन रॉक का ही बना हुआ है। नाउ दिस सैंडस्टोन रॉक जो होती है बेटा, इट इज़ नॉट हार्म बाय सलाइन सी वाटर। दिस इज़ द रीज़न जो सी शोर के पास की बिल्डिंग है वो सैंडस्टोन की ही बनी हुई होती है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो सैंडस्टोन है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, तो जो भी फायर प्लेसेस होती हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक प्लेस बनाते हैं जहाँ पे फायर आग लगा सकते हैं उस एरिया में, तो वो जो फायर प्लेसेस हैं जो ठंड में हमें गर्मी देने के लिए काम आती है, वो भी इस सैंडस्टोन की ही बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ द लाइमस्टोन रॉक। लाइमस्टोन रॉक जो है ये सी एनिमल्स की शेल की बनी भी होती है। इट इज़ मोस्टली ग्रे एंड वाइट इन कलर। अब जो आप चॉक यूज़ करते हैं स्कूल में वो भी लाइमस्टोन ही होता है। अदर देन दिस लाइमस्टोन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, मतलब ईंट एंड ग्लास। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉन्ग्लोमरेट रॉक। कॉन्ग्लोमरेट रॉक जो है ये पेबल्स एंड ग्रेबल्स, मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं तो उनकी बनी भी होती है। ये छोटे छोटे पत्थर क्या होता है, एक साथ टेम्परेचर प्रेशर की वजह से एक साथ इकट्ठे होकर के जम जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं, तो सीमेंटेड टुगेदर होने की वजह से दिस फॉर्म द कॉन्ग्लोमरेट रॉक। ये जो रॉक है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं ये सब मिल करके एक पूरी रॉक बनाते हैं, तो इस वजह से इसका जो टेक्सचर है ये टच करने में जो है अनइवन होती है। ये रॉक ग्रे एंड ऑरेंज कलर में जनरली मिलती है, और दिस रॉक इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रॉक।
और नेक्स्ट इज द शेल रॉक। शेल रॉक जो है वो क्ले की बनी होती है, जब क्ले जो होती है एक के बाद एक लेयर जो है उसके ऊपर जमती जाती है क्ले की, तो वो प्रेशर के साथ में क्या होता है कुछ टाइम में जम करके एक हार्ड रॉक फॉर्म हो जाती है। ये वाली जो रॉक है शेल रॉक, ये ब्रिक्स और टाइल्स बनाने में काम आती है। नाउ लास्ट सेडिमेंट्री रॉक इज़ द जिप्सम रॉक। ये जो रॉक है ये सल्फेट मिनरल्स की बनी हुई होती है और ये रॉक बहुत सॉफ्ट रॉक है, इसी वजह से जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आता है। इसके अलावा कास्ट एंड मोल्ड ये भी बनाने में जिप्सम यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से बनती है। मेटामॉर्फिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं एनिमल्स में, जो एनिमल्स की लाइफ स्टेजेस की साइकिल होती है उनमें हमने मेटामॉर्फिसिस पढ़ा था चैप्टर 2 में। उसमें क्या था बेटा, जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग सबसे पहले क्या होता है एक टेडपोल होता है, एग होता है, एग से लावा, लावा से टेडपोल और टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है उसकी लाइफ स्टेजेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इसी तरह से रॉक में भी मेटामॉर्फोसिस होता है और इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल बेटा इसमें क्या होता है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक वो क्या होता है, प्रेशर और इनके अंडर में क्या होती है वो कन्वर्ट होती है एक नई रॉक में, जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होती है। सो इफ वी से अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक अंडर हीट एंड प्रेशर इनटू न्यू रॉक विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। तो जो एग्जिस्टिंग जो आपकी पुरानी रॉक है वही क्या होती है हीट और प्रेशर के अंदर में एक नई रॉक बन जाती है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है उसकी बेसिक पेरेंट रॉक से। अब ये बेसिकली क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ही ट्रांसफॉर्मेशन से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो क्योंकि अर्थ क्रस्ट के नीचे हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो टेक्टोनिक मूवमेंट प्लेट्स का मूवमेंट होगा तो हीट एंड प्रेशर उसके साथ में क्या होगा, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो भी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक है वो क्या होगा एक टाइम पीरियड के अंदर हीट और प्रेशर के वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, नेसिस। मार्बल, मार्बल इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन और लाइमस्टोन क्या है एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये जो मार्बल है ये बिल्डिंग्स और स्टैचूज को बनाने में काम आता है और ये अलग अलग कलर्स में मिलता है। जो ताजमहल है आगरा में दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। नेक्स्ट इज स्लेट। स्लेट जो होता है ये रॉक बनता है शेल रॉक के मेटामॉर्फोसिस से, और शेल रॉक कौन सी है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके मेटामॉर्फोसिस से स्लेट, इट इज शाइनी एंड ये बहुत चमकदार रॉक होती है और ये इजीली आप ब्रेक कर सकते हो लेयर्स के अंदर में। ये बेसिकली ग्रे और ब्लैक कलर में मिलती है और इस रॉक को हम यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड बनाने में, स्लेट बनाने में एंड रूफ्स। नाउ नेक्स्ट इज द क्वार्ट्जाइट रॉक। दिस रॉक इज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन की बनी हुई होती है और सैंडस्टोन भी क्या है एक सेडिमेंट्री रॉक है। इट इज़ वेरी हार्ड रॉक और इसी वजह से ये स्टैचूज बनाने में यूज में ली जाती है। नाउ द लास्ट रॉक इज नीज रॉक। ये जो रॉक है ये ग्रेनाइट रॉक से बनती है और ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक। इस रॉक के ऊपर डार्क और लाइट कलर के बैंड होते हैं एंड दिस रॉक इज यूज इन मेकिंग द फ्लोर्स एंड ऑल्सो यूज इज ऑर्नामेंटल स्टोन इन बिल्डिंग। ऑर्नामेंटल क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस
बने हुए होते हैं, लाइट एंड डार्क कलर के बेंच भी हो सकते हैं और भी अलग डिजाइन्स बने हुए होते हैं, इसलिए ये ऑर्नामेंटल स्टोन में यूज होती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, डू यू नो दैट ऑन मून सम रॉक सैम्पल्स हैव बीन कलेक्टेड एंड दोज रॉक सैम्पल्स वर वेरी मच सिमिलर टू द रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ। जो मून पे रॉक के सैम्पल्स लिए गए हैं वो रॉक काफ़ी कुछ सिमिलर हैं हमारे अर्थ पे जो रॉक मिलती है उनसे।